देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए, ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। सरकार का कहना है कि दिवाली के कारण बाजारों में भारी भीड़ की वजह से कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। कई मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अपने चरम पर है। तो वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि दिल्ली के बड़े अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की अभी भी काफी कमी है। बेड्स अभी हैं, सफिशिएंट हैं। कुछ अस्पतालों में जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दें तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। बहरहाल बेड्स की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी। इस दिशा में केंद्र सरकार ने भी तत्काल कदम उठाए हैं। इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि राजधानी के मुख्य बाजारों में लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है, लेकिन दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।